दो दिन पहले इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी का एक स्टेटमेंट आया था, द यूथ ऑफ इंडिया शुड वर्क फॉर 70 आवर्स, और इसको लेके बवाल हो रहा है. पीपल आर एंग्री, पीपल हैव देयर ओन ओपिनियन एंड पीपल आर थिंकिंग अदरवाइज. आई हैव ऑल्सो सीन पीपल टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. आज भारत जिस तरह से पॉइज्ड है, उस तरह से मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में शायद 70 घंटे अगर एक हफ्ते में हम काम कर रहे हैं तो ये एक वर्क कल्चर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं. यूएस में वहाँ लोग एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं और उनके 5 days a week यानी 5 into 12 60 hours वो काम करते हैं. मीशो जब लॉन्च हुआ है तब उन्होंने 4 days a week किया, लेकिन 12 hours a day यानी 12 4 48 hours की बात कर रहा है. 12 hours per day ये इसका एक फीचर नज़र आया जो यूएस का कल्चर है. अच्छा, हम अगर 70 घंटे काम करते हैं और हमारे यूथ से कह रहे हैं हम काम करेंगे तो ये भारत कहाँ जाएगा? हम एक वर्क कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं. नारायण मूर्ति जी का शायद कहने का मतलब ये था कि एक वर्क कल्चर हो. हम आज स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और इंडिया शाइनिंग इसकी बात करते हैं. पॉलिटिकली तो ये वर्ड कॉइन हो गया, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली इसे देखना चाहते हैं सोसाइटी में तो हम शायद इसको बहुत अनदेखा कर रहे हैं. हम कहाँ प्रमोट कर रहे हैं वर्क कल्चर? तो हम अगर एक वर्क कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं वर्क कल्चर में ढालने के लिए, तो मेरे ख्याल से हम 40 या 50 इतना ही घंटे ले रहे हैं एक हफ्ते में, उससे ज़्यादा नहीं. और यकीन मानिए जो आज काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये अच्छे से मालूम हो गया है कि दे आर बीन वर्किंग, इफ़ यू लुक इनटू द हाइब्रिड सिस्टम और मे बी वर्क फ्रॉम होम, दे हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 10 hours एक्चुअली. सो 10 hours पुट टुगेदर एंड 5 days अ वीक वी आर स्टिल कमिंग टू 60 hours. सो वॉट वी आर वॉन्टिंग और वॉट परहैप्स नारायण मूर्ति जी इज हिंटिंग एट इज दैट 70 hours आज का यूथ अगर काम करेगा तो हम स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, इंडिया शाइनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप. आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हिंदुस्तान में हो रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा बातें भी इन एंटरप्रेन्योरशिप पे भारत में ही हो रही हैं. इसका मतलब ये है कि ये 70 घंटे यदि इन यूथ को, जो कि हमारा चंक है, इंडिया इज कॉल्ड एज अ यूथ कैपिटल, तो अगर ये यूथ कैपिटल है और अगर यही 70 घंटे काम करेंगे तो सोचिए भारत को अगले 10 सालों में आप कहाँ पाओगे. हम लोग 5th biggest इकोनॉमी हो चुके हैं, लेकिन प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आइडिएशन, ये श्रम, ये मेहनत, ये इनिशिएशन, ये आना चाहिए. और ये यूथ अगर अगले 10 साल में अपने भारत को शेपअप कर रहे हैं तो वो अपने आप को भी शेपअप कर रहे हैं. और अगर वो अपने आप को शेपअप करते हैं, भारत अच्छा बनता है, तो भारत का आने वाला फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा. वर्क होगा तो हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे. नारायण मूर्ति जी ने भी बड़े क्लियरली एक बात कही है कि इंडिया रैंक्स लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, और इसी को देखकर उन्होंने ये बात कही है कि मान लीजिए अगर नारायण मूर्ति जी की बात अमल में आती है, 70 घंटे आज का युवक काम करता है और हम स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, अगले 10 साल अगर हर यूथ अपने आप को झोंक देगा, 70 घंटे काम करेगा, तो इस देश का नहीं उनका भी भला होगा. क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में जो इकोनॉमी जनरेट करेंगे हम भारत के लिए, ये नेवर एंडिंग इकोनॉमी होगी, ये सेल्फ जनरेटिंग होगी, सेल्फ मोड पे होगी. और इसको आने वाले 10 साल में जो इसका फल मिलेगा वो फल भी उतना ही मीठा होगा, क्योंकि हम हर 25 साल में एक जनरेशन बदलते हैं. और 25 साल में अगर ये 10 साल काउंट कर ले तो आने वाला एक पीढ़ी जो तैयार होगा वो उनके लिए लाभदायक होगा. इंडिया में इंडस्ट्रीज आएगी, प्रोग्रेस अपने आप में एक सेल्फ ड्रिवन मोड पे आएगा, सेल्फ रेगुलेटेड होगा, सेल्फ डायरेक्टेड होगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक अच्छा प्रेसिडेंस तैयार करते हैं हिंदुस्तान के लिए, तो आने वाला भारत हम सबसे टॉप में रहेंगे. ये एक कल्पना, एक सोच है. हम तो भारत में रहते हैं तो हमारे लिए लाइफ बहुत लेट बैक है. हर जगह मुंबई जैसा हाल नहीं है, हर जगह बैंगलोर जैसा हाल नहीं है. हम उठते अपने समय पर है और बड़े आसानी से आधे घंटे में हम अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं. हमारे पास बहुत समय होता है कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव वर्क करने का, लेकिन 8 घंटे के जॉब में हम शायद 8 घंटे नहीं काम करते. बट जो बाहर जाता है और वर्क कल्चर को देखता है, उसके वर्क एथिक्स उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं. यही नारायण मूर्ति जी हैं जिन्होंने कभी तो भी अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर रात के 8 बज जाए और अगर
ऑफिस फिर भी चालू है और लाइट्स चालू है, तो वो वहाँ पर फ़ोन कर कर पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, और वो ऑफिस बंद करके घर जाने की बात करते हैं। तब किसी ने नारायण मूर्ति जी को इस तरह से नहीं देखा। आज नारायण मूर्ति जी कहते हैं कि 70 घंटे आज के यूथ को काम करना चाहिए। वो सबसे नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आज के यूथ से कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन यूथ को ये समझना चाहिए कि भारत के प्रोग्रेस में उनका प्रोग्रेस जुड़ा है, और वो प्रोग्रेस करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा भारत तो जैसे था शायद बहुत जल्दी वैसा हो जाए, सोने की चिड़िया। अगर हम समृद्ध है और सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ अवेयर है, तो मेरे ख्याल से हम सोने की चिड़िया जरूर और आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा भारत दे पाएंगे। इसी सोच के साथ आप भी इसमें ज़रूर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।